अस्सलाम वालेकुम आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं फेसबुक राइट्स मैनेजर के ऊपर आप लोगों ने राइट्स के लिए अप्लाई किस तरह करना है किस तरीके से आप लोगों ने हासिल करना है सही तरीका आप लोगों ने किस तरह इस्तेमाल करना है ताकि आप लोगों को फेसबुक पर राइट्स मिल जाए इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि राइट्स का फ़ायदा क्या है ये क्यों आप लोगों के लिए ज़रूरी है देखो दोस्तों अगर आप पाकिस्तान में हैं तो सबसे पहला नंबर आप लोगों ने राइट्स के लिए अप्लाई करना है अगर आप लोग पाकिस्तान में आसानी के साथ अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करना चाहते हैं ये एक बोनस पॉइंट है लेकिन राइट्स का असल काम किया है प्रोटेक्ट योर कंटेंट अगर आप चाहते हैं कि अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करें आप चाहते हैं कि आपका वीडियोस आपके इजाजत के बगैर आपके परमिशन के बगैर कोई इस्तेमाल न करे तो आपने राइट्स के लिए अप्लाई करना है राइट्स के थ्रू आप लोग अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपने फेसबुक को बताना है कि मेरे कंटेंट का मुझे राइट्स दे दे तो फेसबुक आपको राइट्स देते हैं फिर आपका कंटेंट प्रोटेक्ट होते हैं और आपका कंटेंट आपके इजाज़त के बगैर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है ताकि आप लोगों को राइट्स मिल जाए अक्सर लोग राइट्स के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन वो रिजेक्ट होती है रिजेक्ट इसलिए होती है क्योंकि उसके पेज के अंदर कुछ ऐसे वीडियोज़ होती है जो कि ऑलरेडी किसी ने अपने रेफरेंस फाइल में अपलोड की है अब आप लोगों का जहन मेरे ख्याल पे इस बात पे काम नहीं करते कि रेफरेंस का मतलब क्या है दोस्तों वही वीडियो जो कि आपने यूट्यूब से डाउनलोड किया है फ़ेसबुक से डाउनलोड किया है टिकटाक से डाउनलोड किया है और आपने अपने पेज के अंदर अपलोड की है और आप श्योर है कि ये वीडियो फेसबुक पर किसी ने अपलोड नहीं की लेकिन वो वीडियो किसी ऐसे पेज ने अपलोड की है जिसके पास राइट्स ऑलरेडी मौजूद है राइट्स मैनेजर वाली पेज ने अपने रेफरेंस लाइब्रेरी में उसी वीडियो को ऐड किया है तो फिर अगर आप लोग राइट्स के लिए अप्लाई करते हैं आपका नाइन्टी परसेंट वीडियो ओरिजिनल है लेकिन एक वीडियो ऐसे है जो कि आपने रिएक्शन की है या आपने शार्ट क्लिप एड की है और वो वीडियो किसी ऐसे ऑनर ने अपलोड की है जिसके पास राइट्स होती है अपने रेफरेंस लाइब्रेरी में उन्होंने ऐड की है तो आप लोगों को फिर राइट्स नहीं मिलते क्योंकि वो वीडियो तो ऑलरेडी राइट्स के अंदर मौजूद है इसके ऊपर तो ऑलरेडी राइट्स ऑन की है तो आपको नहीं मिलते तो आपने ऐसा गलती नहीं करना अब आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है अप्लाई करने का पूरा तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा

जैसे कि आप लोग इसको सर्च करें तो पहले नंबर लिंक पर क्लिक करें तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया ऊपर छोटे से ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे है रिक्वेस्ट एक्सेस रिक्वेस्ट एक्सेस पर क्लिक करके तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए सबसे पहले आप लोगों ने वही पेज को यहाँ पर टिक करना है जिस पेज से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने पेज को टिक कर दिया पेज को टिक करने के बाद नीचे तीन ऑप्शन है लेकिन आप लोगों ने वीडियो वाली ऑप्शन को टिक करना है इसके बाद पहला नंबर है वट टाइप ऑफ राइट्स होल्डर आर यू यहाँ पर आप लोगों ने इंडिविजुअल क्रिएटर को टिक करना है सेकंड नंबर है फ्रामरी राइट्स होल्डर यहाँ पर आप लोगों ने पेज का नाम नहीं डालना है यहाँ पर आप लोगों ने अपने फेसबुक आईडी डी के नेम को डालना है जो आपका एडमन आईडी है उसी आईडी का नाम यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना है तीसरा नंबर है हाउ ओपन डू यू पब्लिश कंटेंट आप फेसबुक पेज के पर वीडियो को कब अपलोड करते हैं रेगुलर आप लोग एक वीडियो को अपलोड करते हैं हफ्ते में एक मरतबा वीडियो को अपलोड करते हैं या मंथ में एक वीडियो को अपलोड करते हैं तो यहां पर उसी को टिक करें तो यहां पर आपने इसको टिक करना है इसके बाद नीचे है हैव यू अ कॉपीराइट रिपोर्ट ऑन फेसबुक बिफोर आपने कभी इससे पहले किसी को फेसबुक पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है या नहीं दिया अगर आपने दिया है तो ये पर क्लिक करके उसी का जो रेफरेंस नंबर है वो यहां पर आप लोग एंटर करें लेकिन अगर आप लोग नो पर क्लिक करें तो ये बेहतर है अगर आपने दिया है तो फिर ये पर क्लिक करें लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपने नो पर क्लिक करना है क्योंकि फिर आप लोगों से यहाँ पर रेफरेंस नंबर मांगते हैं इसके

पेस्ट करें एड लिंक पर क्लिक करें तो यहाँ पर इजाफा हो जाएगा और आपने लिंक को कॉपी करना है यहाँ पर आपने पेस्ट करना है यही तरीक़ाकार है इसमें दोस्तों आप लोगों ने ओरिजिनल वीडियोज का लिंक डालना है कॉपी अगर है तो फिर तो आप अप्लाई मत करें लेकिन अगर कुछ ऐसे वीडियो है जिसके अंदर आपने छोटे छोटे क्लिप को भी एड किया है तो उसी वीडियो का लिंक आप लोगों ने यहाँ पर एड नहीं करना इसके बाद नीचे है व्यूअर एल्स डू यू पेज हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस इसमें यूट्यूब है वेबसाइट से और अदर है लेकिन ये ऑप्शन है अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उसी का लिंक यहाँ पर एड करें अगर आपका वेबसाइट है तो उसी का लिंक यहाँ पर एड करें अदर में आप जो प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो उसी का लिंक आप करके यहां पर पेस्ट करें लेकिन अगर आप लोग ये ऐड न करें तो कोई मसला नहीं है इसके बाद नीचे है व्हाट एल्स शुड बी नाउ टेल अस मोर अबाउट वई यू वॉन्ट टू यूज़ राइट्स मैनेजर मतलब आप क्यों राइट्स के लिए अप्लाई करते हैं क्यों आप लोग राइट्स मैनेजर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग उसी को यहाँ पर ऐड करें कि मेरा कंटेंट लोग इस्तेमाल करते हैं मैं चाहता हूँ कि अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करूँ ताकि लोग मेरे वीडियोज़ को मेरे इजाजत के बगैर इस्तेमाल ना करें ये आपने एंटर करना है इंग्लिश में इसके बाद यहाँ पर ले जाए कंटेक्ट ई मेल एड्रेस इसमें दोस्तों आप लोगों ने अपने फेसबुक आई डी के अंदर जो ई मेल है उस ई मेल को यहाँ पर आपने एंटर करना है फिर यहाँ पर है सेंड वेरीफ़िकेशन कोड इस पर आपने क्लिक करना है फिर आपने ई मेल पर जाना है ईमेल पर कोड आएगा राइट्स मैनेजर वाला उसी कोड को अपने कॉपी करना है यहाँ पर पेस्ट करना है इसके बाद नीचे है रिक्वेस्ट एक्सेस रिक्वेस्ट एक्सेस पर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा सबमिट होने के बाद आप लोगों को एक ईमेल फेसबुक की तरफ से आ जाएगा कि आपने अप्लाई किया है हम इसको देखेंगे आपकी एप्लीकेशन को इसके बाद हम आपको दूसरा जो ना है ना ईमेल के थ्रू फाइनल जवाब देते हैं कि आपको राइट्स मिला या नहीं मिला अक्सर अगर आप लोग रिक्वेस्ट एक्सेस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता कुड नॉट सबमिट एप्लीकेशन वो इसलिए है कि ऊपर जो आपका फेसबुक आईडी लैगन है वो आप चीक करें कि आपका आईडी लैगिन है या आपका पेज आपने स्विच की है अगर आपका पेज स्विच है तो आपने आईडी को वहां पर स्विच करना है क्योंकि अक्सर लोग जिस पेज से अप्लाई करते हैं तो फेसबुक में वही पेज को पहले स्विच करते हैं तो ये गलती आप करते हैं आपने फेसबुक में सिर्फ अपना आई डी लॉग इन करना है क्रोम ब्राउजर के अंदर बाकी आपने पेज को स्विच नहीं करना बाकी आपने डायरेक्ट न्यू टेब पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई को सबमिट करना है यही सिंपल और आसान तरीकाकार है राइट्स के लिए अप्लाई करने का मैंने इसी तरीकाकार को इस्तेमाल करके दो पेजेस पर मुझे राइट्स मिले हैं राइट्स मैनेजर और इसके थ्रू मेरा फेसबुक पेज पाकिस्तान में आसानी के साथ मोनेटाइज है यही सेम पंतरिकाकार है अगर फिर भी कोई मसला है तो आप लोग इस वीडियो पर कमेंट्स करें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगा तो मेरा उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग